गजब है यार। तो ये रही अपनी लेमन टी। देहरादून में अगर कभी भी आप आते हो और अगर आपने स्कूटी राइड नहीं की है, स्कूटी पे नहीं घूमे हो, तब पड़ी और मेरा चलान कटने से बच गया थैंकफुली। और हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। पूरे 3 या 4 घंटे बारिश होने के बाद अब फाइनली बारिश रुक गई है। बिकॉज मैं ना कब से वेट कर रहा था कि बारिश रुक जाए और मुझे ना ऊपर एक लेमन टी पीने जानी है, तो उसका मैं वेट कर रहा था। बहुत दिन हो गए मैंने नहीं पिए, बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत फेमस लेमन टी है देहरादून में, सबसे ज़्यादा फेमस जगह है वो लेमन टी के लिए, और एक बहुत अच्छा स्पॉट है। आप जाके बैठ के वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो वहाँ पर। सो अभी मैं निकल रहा हूँ एक पेट शॉप पे, बिकॉज मुझे जिंजर और मिमी के लिए कुछ गले के पेंडेंट खरीदने। पहले जिंजर के पास तो था, तो वो बाहर लड़ने जाता था बिल्ली से, तो बिल्ली के साथ लड़ाई करते हुए उसका खो गया है, और मिमी को मैंने आज तक दिलाया नहीं है। तो आज मैं एक मिमी और एक जिंजर के लिए पेंडेंट खरीदने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं पेंडेंट लेने, दिखाता हूँ कहाँ से लेने वाला हूँ पेंडेंट। इसकी वजह से पूरी स्कूटी गीली हो जाती है, तो डरने की बात नहीं है। पहले तो हेलमेट निकाल के यहाँ रख लेता हूँ, बिकॉज आज है सैटरडे और पुलिस बहुत मिलेगी बीच में। और दूसरा काम करना है इसकी सफाई, सो दैट अपने पुठे अपने खराब कपड़े ना हो जाए, कपड़े खराब ना हो जाए। हेलो भैया, आज मैं आपको अपने ब्लॉग में डालना हूँ। तो गाइज, जिसके भी घर में पेट है, तो ये हमारी कैनाल रोड और गर्ल्स हॉस्टल के पास में, जस्ट गर्ल्स हॉस्टल के पास में शॉप है भैया की, तो आप सामान यहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छा सामान है, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर देखो सब कुछ। दीपांशी, ये दीपांशी जो है भैया की बेटी है, ये आपके बेटे हैं ना? हाँ, बेटे से तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हेलो, ये दोनों को भी बोल देना मेरे को सब्सक्राइब कर लेगा। हाँ, मैं अभी करवा दूंगा। तो मैं जिंजर और मिम्मी के लिए आज ये वाले पेंडेंट लेने आया हूँ। दो दे दो जी। हाँ, तो ये वाले पेंडेंट ले रहा हूँ। ये कौन सा वाला बेटर लगेगा? ये वाला है, ये इसमें बेल है ना? हाँ, बेल वाला चाहिए मुझे। तो गाइज, अगर किसी को भी सामान लेना है अपने पेट्स के लिए, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, आप ले सकते हो। मैं तो मोस्टली सारा सामान यहीं से लेता हूँ। ये भैया है, भैया से आप आना और मिलना, बड़े अच्छे मजाज के हैं। ठीक है भैया, आप इसको कर दो। ठीक है, जिंजर के लिए हम ये वाला ले लेते हैं, और मैं आप सभी को पहना के दिखाऊंगा कैसे लगेगा दोनों। तो गाइज, ये मिमी और जिंजर के लिए दो पेंडेंट ले लिए मैंने, देखो मस्त। अब जहाँ भी जाएगा मुझे पता चलेगा, घंटी बजती रहेगी। मैं एक भैया, एक बार आप भैया से एड्रेस पूछ लो, जिस जो भी कैनाल रोड के आसपास रहता है तो वो आके भैया से सामान ले सकता है। भैया एड्रेस बताओ आप मुझे। ये बाला सुंदरी मंदिर है, उसके सामने 24/7 है, उसके आगे बडी द पेट शॉप करके लेन नंबर 5 कैनाल रोड, बिल्कुल मेन रोड पर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत, ये बिल्कुल ऑन रोड पे है। और ये देखो, ये तो भैया ने अपने पाले हुए, इनको खिलाते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स है। तो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है एक लेमन टी पीने के लिए, और लेमन टी कहाँ पीता हूँ वो दिखाता हूँ। बहुत प्यारी लेमन टी मिलती है मुझे। सही हुआ मैंने हेलमेट अपने पास रख लिया था, अभी बीच रास्ते में वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, तो मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ी और मेरा चलान कटने से बच गया थैंकफुली। और अभी मैं निकल ही रहा था लेमन टी पीने के लिए, उसके बीच में मैंने जिंजर का जो चिकन था वो भी ले लिया, बिकॉज मुझे इसी साइड वापस आना पड़ता फिर से ना, तो बेटर वही है कि एक ही बार में मैंने अपना जिंजर का जो चिकन था वो भी ले लिया है। बीच में रुका हूँ अभी शाहरुख भाई, मैं आज अपने एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ शाहरुख भाई से। और हाँ हाँ, कोई नहीं, नीचे उतार दो, बस बस हो जाएगा, बैक कर दो आप गाड़ी भैया, कर लो। तो इन और हटाना है क्या भैया? और हटानी है? हाँ, चाबी अभी हटा, कोई इधर ही लगा दो भैया, कोई इशू नहीं। भाई जान नहीं जा रहे हैं, बिकॉज इनको काम करना है। शाहरुख भाई है हमारे बड़े भाई। एक्चुअली क्या हुआ, अभी इनको कोई, इनका जो मैनेजर है वो नहीं आया, और तो कस्टमर इतने ज़्यादा बैठे हुए ऊपर की साइड, तो पैसा काटने वाला कोई है नहीं है, तो इसलिए अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। लेट्स गो। ये देखो यहाँ पेड़, इतना बड़ा पेड़ गिर गया है, भयंकर ही लेवल का, बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। इस एरिया से ना बड़ी यादें जुड़ी भी है हमारी, क्योंकि मेरा हॉस्टल जो है ना, ये जंगल को क्रॉस करने के बाद आता है, और एक टाइम ऐसा हुआ करता था आज से 15-20 साल पहले, हम लोग इस रास्ते से मेरे हॉस्टल से राजपुर तक पैदल आते थे जब हमें आउटिंग मिलती थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज़ वगैरह और भी बनाई हुई है, जब मैं टिकटॉक यूज़ करता था तब यहाँ पर वीडियोज़ बनाई है मैंने बाइक वाइक के साथ। क्या मौसम है यार, यहाँ पर आके ना एक अलग सी फ्रेशनेस फील होती है हमेशा, और जब बारिश हो जाती है तब तो अलग ही लेवल का आपको व्यू देखना मिलता है। तो देहरादून है, देहरादून में रहते हो तो एंजॉय करो अपना, बढ़िया मस्त ज़बरदस्त।
आप यहाँ से ये जो जंगल है इसको क्रॉस करने के बाद वो जो एक ताऊ है वहाँ पर वो लेमन टी मिलती है। काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा बिकॉज देहरादून में मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर पता है। बहुत अच्छा प्लेस है और सबसे अच्छी बात क्या है टेस्ट वाइज भी बहुत प्यारा टेस्ट आता है। मैं सिर्फ लेमन टी पीता हूँ वहाँ पर जाके बिकॉज और सब चीज़ें खाने के लिए मेरे लिए इतना खास वो नहीं है। तो चलते हैं और दिखाता हूँ कि लेमन टी कहाँ पीने वाला हूँ और लेमन टी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस पी के आपको दिखा के कहाँ लेमन टी पीता हूँ, फिर सीधा जिम पे जाना है बिकॉज अभी जिम के लिए भी लेट हो रहा हूँ और अराउंड 1 घंटा हो गया मैंने लास्ट अपनी जो प्री वर्कआउट ली थी। तो अगर ज़्यादा लेट हो जाऊँगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा दोबारा से। तो अभी यही करता हूँ कि फटाफट लेमन टी पीता हूँ और सीधा चलता हूँ जिम। देहरादून में अगर कभी भी आप आते हो और अगर आपने स्कूटी राइड नहीं की है, स्कूटी पे नहीं घूमे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है देहरादून आने का। वो जो बोर्ड दिखाई दे रही है ये मोरेबेन इंस्टीट्यूट, ये मेरे स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता जाता है नीचे, इधर से हमें जाना है इधर और मसूरी जिसको जाना है वो उधर जा सकता है। आपको ऐसे करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है? वो मेरे स्कूल का बोर्ड है, ये मसूरी जा रहा है रास्ता और हमें लेमन टी पीने इधर वाले रास्ते जाना है, हम इधर से आए हैं। तो गाइज हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, वो जो आपको सामने एक छोटी सी शॉप दिख रही होगी, ये दोनों ही फेमस है, ये जो येलो वाला शॉप है ये भी बहुत फेमस है और जो वो छोटी शॉप दिख रही है ये है, मैं दिखाता हूँ आपको लेमन टी यहाँ पर। जहाँ मुझे लेमन टी पीनी थी और मैंने एक लेमन टी ऑर्डर भी कर दी, एक मैं छोटा सा वो भी दिखा देता हूँ। देखो शॉप आपकी नंदू, ये हमारा भाई है नंदू, ठीक है नंदू? इसको मैं बहुत छोटे से जानता हूँ। तो ये जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था मोरेबेन स्कूल में तब भी मैं यहाँ पीना खाना पीना आता था और अभी भी आ रहा हूँ और आगे भी आते रहेंगे। तो ये रही अपनी लेमन टी, रखी अपनी स्कूटी की बैक सीट पे और ये रहा वो लेमन टी का शॉप यहाँ पर, ये रहा जहाँ एक कार खड़ी है। तो इधर से लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, ये वाला जो स्पेस है ऊपर उधर, उधर से लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं और ये वाला रास्ता राजपुर जा रहा है, ये सीधा भी जा रहा है राजपुर। तो ये एक छोटा स्पेस है, बहुत प्यारा लगता है लोग, ये देखो लोग यहाँ साइकिलिंग करने आते हैं कभी। चेयर्स जो टेस्ट है ना वो बहुत जेन्युइन टेस्ट है, बहुत प्यारा टेस्ट है। कभी भी आप इस साइड आते हो राजपुर की साइड तो यहाँ पर आके ताऊ की लेमन टी जरूर पीना, बहुत प्यारी है, बहुत सेक्सी है। इसको फटाफट फिनिश करता हूँ बिकॉज बारिश होने वाली है और उसके बाद मुझे सीधा जिम जाना है और मैं स्कूटी से आ रखा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि जिम में भीग के जाऊँ। तो उसको फिनिश करता हूँ और सीधा आपको मिलता हूँ जिम के अंदर, तब तक इसके मजे उड़ाता हूँ। गजब है। सो गाइस जिम में आ चुका हूँ और सही हुआ कि मैं वहाँ से जो लेमन टी है वो फटाफट पी और जिम में आ गया, बिकॉज जैसे ही मैं जिम के अंदर पहुंचा ना इतनी तेज़ बारिश हुई ना, इतनी तेज़ बारिश हुई है पूछो मत, अगर मैं बीच में अटक जाता तो पूरा भीग जाता, फिर मुझे वापस घर पे जाना पड़ता चेंज करके साफ सफाई करके अपने आप को पूरा सुखा के फिर वापस जिम में आना पड़ता। तो गाइस आज मैंने अपने हैम्स ट्रेन कर लिए और हैम्स में मैं सबसे पहले अपने स्क्वाट्स करूँगा, उसके बाद हैम्स की एक्सरसाइज करूँगा, बहुत हैवी नहीं जाऊँगा, लाइट वेट पे अच्छी इंटेंसिटी और रेप्स बढ़ा के रखूँगा। तो अभी जाके सीधा लेता हूँ प्री वर्कआउट, फिर आपको मिलता हूँ जिम के अंदर डायरेक्टली, दिखाता हूँ क्या क्या करना होगा।
सो गाइस मैं जिम से आ चुका हूँ और बारिश बहुत तेज हो गई थी तो इसलिए मुझे फटाफट स्कूटी लेके जिम से वापस आना पड़ा और मैं वीडियो वहां पर नहीं बना पाया। तो अब मैं घर आ चुका हूँ और तो जो मैंने आपको पता है सुबह दिन में जिन तो ये दो पेंडेंट मैंने जिंजर और मिम्मी के लिए लिए थे, अब इनके गले में डालता हूँ और देखता हूँ कैसे लग रहे मेरे बच्चे। जिंजर मिम्मी यू गॉट सम न्यू एक्सेसरीज, वेयर इज कम हियर। एक काम करते हैं, मिम्मी को पिंक वाला देते हैं और जिंजर को येलो देते हैं, बिकॉज जिंजर ऑलरेडी जिंजर कलर का है तो उस पर थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये रही हमारी मिम्मी, मिम्मी आ जाओ ये दो। मिम्मी को तो खेलना पसंद है बहुत, मिम्मी लव्स टू प्ले। जिंजर मिम्मी इसके दिल अरे यार ये तो साइड से मिम्मी का लूज हो जाएगा बहुत, देखे ये देखो अगर आप देख पा रहे हो। मिम्मी मिम्मी अपना दिखाओ 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 मिम्मी को, मिम्मी परेशान हो गई, मिम्मी देख गुड मिम्मी। चलो अभी ये जिंजर को पहनाता हूँ और जिंजर को तो बहुत इजीली आ जाएगा ये। अभी ये जिंजर है, जिंजर बैठ जा, बस इसको तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना है, इसको बस शैतानी करनी है, इसको ये पसंद नहीं है पेंडेंट पहनने। हाँ जिंजर ओए जिंजर नहीं 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 मेरा बेटा इधर आ। अब इसको तोड़ मत देना, ये देखो जिंजर पर क्यूट लग रहा है जिंजर। ओए ये देखो एक साथ दिखाता हूँ तुम दोनों को, ये मिम्मी है जिंजर, मिम्मी जिंजर यार पीछे से पता नहीं ये इसको मेरे पास नहीं आना। ये जिंजर का चिकन है, जिंजर मिम्मी का देखते कौन पहले आता है। ये मिम्मी आजा, ये देखो इसको खाने की पहले थी, इसको बॉयल भी नहीं करने देना। जिंजर जिंजर ये देखो मिम्मी और जिंजर को मैंने पेंडेंट पहना दिया है, अब मैं जाऊंगा अपना नहाने वाने और उसके बाद मुझे अपना डिनर बनाना है, अपनी मील्स बनानी है। तो फटाफट इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। होप सो आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलना, जो भी अच्छा लगता है। अगर कुछ लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर लगता है कुछ अच्छा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।